नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूं, तो आज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इससे आपका एक सिलसिला शुरू हो जाएगा पढ़ने का और समझने का। दो तीन चीज़ मैं अपने पढ़ने के दौरान करता था जो आप सबसे भी बीच बीच में मैं डिस्कस करता रहूँगा और उसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। जैसे कि हम जब कोई फिल्म देखते हैं या गाना सुनते हैं तो हमें उस फिल्म की कहानी पूरे अच्छे से याद हो जाती है, वो गाने के लिरिक्स हमें याद हो जाता है एक बार या दो बार सुनने में, लेकिन पढ़ा हुआ क्यों नहीं याद होता। वो इसलिए नहीं याद होता है क्योंकि हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते। सिस्टमेटिक तरीके से कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी एक घटना घटी, उसके बाद दूसरी घटना घटती है, उसके बाद तीसरी घटना घटती है, उन सबको आप लिंक करके कहानी की तरफ पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हर एक सब्जेक्ट हमारा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर सब्जेक्ट में एक लयबद्ध तरीके से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपको छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो भी आपको जब क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अक्सर हमारे साथ होता ही है कि हम क्या करते हैं कि बिट्स एंड पीसेज में पढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ लिया, अब हम उसको याद करने के लिए अपने दिमाग पर स्ट्रेस डालते हैं और अक्सर हम भूल भी जाते हैं। तो आज हम अपने जो पॉलिटी का ये चैप्टर है इसमें हम उस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, एक लयबद्ध तरीके से। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को एक आसान भाषा में ये समझाना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है एक नियम कानून बनाना जिससे आपका देश चल सके। जैसे हम घर के लिए एक नियम कानून बनाते हैं, हम खुद के लिए कभी कभी टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इस टाइम टेबल के हिसाब से जगेंगे, पढ़ेंगे, इतना देर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वैसे देश के लिए जो नियम कानून बनता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। और जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। उसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, या निर्वाचित होंगे इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे, या फिर मनोनीत होंगे। मनोनीत मतलब किसी के द्वारा उनको नॉमिनेट कर दिया गया हो। सबसे पहले संविधान सभा की बात किसने उठाई कि हमारा अपना संविधान सभा होना चाहिए? तो सन 1934 में M.N. रॉय द्वारा इस चीज को उठाया गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, सबसे पहली बार 1934 में M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा की बात उठाई गई कि भारत का अपना संविधान सभा होना चाहिए, फर्स्ट टाइम। ये सवाल कई बार आ चुका है इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भी इस बात को उठाया गया कि हाँ, भारत का अपना एक संविधान सभा होना चाहिए जो कि हमारे अपने संविधान को क्रिएट करे। ये मांग हमने ब्रिटिशर्स के पास रखी थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद आगे चलते हैं, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी इस बात को उठाया गया कि हाँ, हमारा संविधान सभा होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपना संविधान बनाएं, और वो संविधान हमारा इलेक्शन के थ्रू, जो भी एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको वर्ड कहते हैं उसके थ्रू चुना जाना चाहिए, और वो उसमें सिर्फ हमारे देश के ही लोग होने चाहिए, ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तीन जो है, 1934, 1935, 1938, इसको याद रखेंगे आप। लेकिन अभी तक तीन बार ये मांग रखी गई जो कि बहुत मेजर मांग थी, लेकिन अभी तक ब्रिटिशर्स के कान पे जू नहीं रेंग रहा था। क्यों? क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था इस मांग से हमारी। होता यह है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि भारत को भी वर्ल्ड वॉर टू का पार्टी बना लेते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उसको मुस्लिम लीग तो सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बोलता है कि नहीं, हम इसके पार्टी नहीं बनेंगे। अब ब्रिटिशर्स को क्या करना था, उनको कुछ अब हमें लालच देना था
कि हम इस लालच से मान जाएं और हम वर्ल्ड वार टू में पार्टी बन जाएं। इसलिए उन्होंने 1940 में एक ऑफर दिया, इसको अगस्त ऑफर कहते हैं। 1940 में उन्होंने एक ऑफर दिया जिसमें अगस्त ऑफर कहते हैं, उसमें कई तरह के प्रलोभन दिए गए थे। उसमें एक ये भी था कि ठीक है, हम आपका संविधान सभा बनाने देंगे जिससे कि आप अपने संविधान को बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कौन बनाएगा, इसकी कुछ जिक्र नहीं की गई। बस एक ट्रेलर देके, जैसे मूवी का ट्रेलर आता है वैसे ट्रेलर देके छोड़ दिया गया कि ठीक है आप लोग अपना संविधान बनाइए, हम उसके लिए आपको अनुमति देते हैं। तो हम अभी 1934 से हमने शुरुआत किया था, आप मेरे साथ दोहराते रहिए मन में, अगर आप चाहें तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं कि 1934 में पहली बार एमएन रॉय द्वारा बोला गया, फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा बताया गया, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस मांग को रखा गया, फिर 1939 में वर्ल्ड वार टू स्टार्ट होता है, ब्रिटिशर्स को हमारी ज़रूरत पड़ती है, 1940 में अगस्त ऑफर आता है। अब लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। फिर 1942 में इंडिया बहुत ज़्यादा विपक्ष में चला जाता है कि नहीं, हम वर्ल्ड वार टू में नहीं सपोर्ट करेंगे, तो क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन के अध्यक्षता कर रहे होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन आके क्या बोलता है कि ठीक है, जब वर्ल्ड वार टू खत्म हो जाएगा तब हम आपको संविधान सभा बनाने देंगे, उसके बाद अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड वार में हमें सपोर्ट कीजिए। इसको हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि इसमें एक तरह का कोई, जैसे उसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, ये तो ऐसा है जैसे कि दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक दिया जा रहा है, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1945 में वर्ल्ड वार टू समाप्त होता है। वर्ल्ड वार टू जब समाप्त होता है, 1939 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वार टू 1945 में जब समाप्त होता है, इस समय क्या होता है कंडीशन, यूनाइटेड नेशन आ जाता है, कई तरह का लोड आ जाता है ब्रिटिश पे, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो है आज़ादी के लिए मांग बढ़ने लगती है, सुभाष चंद्र बोस और कई तरह के प्रेशर बनाया जाता है, तो वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है आप अपना संविधान सभा बनाइए, संविधान सभा के थ्रू अपना संविधान बनाइए और आप लोग खुद से अपना खुद के बनाए नियम कानून से जी। तो उसके लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन नाम इसलिए है कि तीन कैबिनेट मंत्री भेजे गए थे वहां से, कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यहाँ क्रिप्स मिशन वाले, और ए वी अलेक्जेंडर। तीन नाम याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ए वी अलेक्जेंडर, मैं चाहूंगा कि आप लोग, जब मैं जब बार बार पीछे से फिर से क्रोनोलॉजी को रिपीट कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करते रहें, इससे आपको दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार होता जाएगा। 1934 से स्टार्ट करते हैं, 1934 पे पहली बार मांग रखी गई एमएन रॉय द्वारा, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 1939 में वर्ल्ड वार टू स्टार्ट होता है, 1940 में आता है सबसे पहली बार अगस्त ऑफर, ए से याद रखिएगा, सबसे पहले अल्फाबेटिकली में अगस्त ऑफर आता है 1940 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है क्रिप्स मिशन 1942 के बाद, 1946 में आता है आपको कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में तीन मंत्री होते हैं, तीन उसके आते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर। इस बार अभी तक क्या था, इसके पहले तक ब्रिटिशर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही थी, इसीलिए वो वेग चीज़ों को भेज रही थी। क्रिप्स मिशन में इसलिए भेजा गया कि आप इसमें उलझे रहिए और हमें वर्ल्ड वार में सपोर्ट कीजिए, लेकिन पहली बार उनका इंटेंशन सही था, जो कैबिनेट मिशन आया था वो सही इंटेंशन से आया था कि हाँ आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और अपना संविधान बनाइए। अब कैबिनेट मिशन में जो दो तीन चीजें थी, सबसे पहले कैबिनेट मिशन द्वारा बताया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पे 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर होगा,
इस चीज को याद रखिएगा, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर होगा। इस हिसाब से 389 मेंबर्स हुए, ठीक है। 389 मेंबर्स का ही ब्रेकअप जान लीजिए। उस वक्त भारत में जो कंडीशन थी 1857 के विद्रोह के बाद, जब 1858 में ब्रिटिश रूल जब लागू हुए यहाँ पे, तो कुछ जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे जहाँ राजा और महाराज का राज था, उनको एज इट इज रहने दिया गया। तो वैसे हमारे जो राजा और महाराज के जो राज था, वैसे कंडीशन थे 93 हमारे प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, और 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। 296 का भी एक ब्रेकअप याद रखिएगा। ठीक है, 296 का ब्रेकअप ये है, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। इसको भी डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं कि कई बार यहां से भी सवाल आ चुका है। 292 तो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, और प्लस 4 जो थे वो कमिश्नरी थे, जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है उस समय कमिश्नरी हुआ करता था, तो इन 4 कमिश्नरी को मिला के 296 थे, ठीक है। टोटल 389 आपको यहां से सदस्य होते हैं। अब संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त में हुए थे, ठीक है, जुलाई अगस्त में इसके इलेक्शंस हुए थे, ठीक। एक और बहुत बार ये सवाल आ चुका है, इसको अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए। था मैंने जो बताया आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी वो दो भाग में बटी हुई थी, एक था आपको ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और एक था आपको प्रिंसली स्टेट, जो राजा और महाराज का जहां राज था। अब ब्रिटिश इंडिया में हुआ यह था, इलेक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि यहां जो विधानमंडल के सदस्य थे, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं लिया गया था, जो विधानमंडल के जो हमारे सदस्य थे उन्होंने वेट वोट देके यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेंबर जो था उसको इलेक्ट किया था। और प्रिंसली स्टेट थे तो राजा और महाराजा था, कहा राजा महाराजाओं को तो ऐसे भी ईगो होता है कि मेरे यहाँ इलेक्शन क्यों होगा, मेरा ही राज चलेगा, मेरा ही सब कुछ बात रहेगी, तो यहां से लोग नॉमिनेटेड हुए थे, ठीक है, समझ गए। यहां से लोग क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, यहां से लोग मनोनीत हुए थे। इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा यह सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे क्या वो इलेक्टेड थे, क्या वो नॉमिनेटेड थे, वो इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों थे, या इलेक्टेड प्लस, ना इलेक्टेड थे ना नॉमिनेटेड, तो आपको टिक लगाना है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों थे, ठीक है। और जो इलेक्शन हुआ था वो कैसे हुआ था, इलेक्शन जो तरीका था वो था आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, जिस तरीके से आज हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस वक्त वैसा इलेक्शन हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि रिसेंटली मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ वहाँ पे अभी चुनाव हुआ था, और वो चुनाव हुआ था आपको MLC का, तो उसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लेआउट बताता हूँ। देखिए 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी और डी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस ए को मिला आपको 30% वोट, ठीक है, बी को मिला आपको 20% वोट, फिर यहां मिला आपको सी को मिला आपको 26% वोट, और डी को मिला आपको 24% वोट, ठीक है। अब कौन जीता आपको, अगर नॉर्मल जो वोटिंग होता है ए जीत रहा है यहां से, लेकिन आप एक चीज देखिए, जो पूरा जन पॉपुलेशन है 100 लोग हैं यहां पे उस गांव में, विलेज में मान के चलता हूं, जो विलेज है वहां 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 30 लोग चाहते हैं कि ए जीते, और अन्य जो 70 लोग हैं, 70 लोग क्या चाहते हैं कि ए नहीं जीते, तो इसका मतलब ये तो गलत है। 70 लोग आपके अगेंस्ट हैं तब भी आप वहां पे चुने गए, निर्वाचित किए गए, इसीलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम आया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस देना होता है कि आपने ए को दिया नंबर 1, ठीक है, आपके पास वहां पे ऐसा रहेगा ए बी सी डी लिखा रहेगा, आपने ए को दिया रैंक 1, बी को दिया रैंक 2, सी को दिया रैंक 3, डी को दिया रैंक 4, ठीक है। अगले वाले ने फॉर उदाहरण के तौर पे ए बी सी और डी, ठीक है, उसने ए को दिया 4 नंबर, बी को दिया
एक नंबर सी को दिया, दो नंबर और डी को दिया 3 नंबर। अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले ए के जो वोट है वो काउंट हो जाएंगे। तो प्राइमा फेसी ए को तो 30 वोट मिल रहा है और इनको मिल रहा है। अब सबसे कम जिसको वोट मिला डी, हम लोग इसके वोट को काउंट करेंगे और देखेंगे डी में जिसने ए बी सी डी, इसने डी को नंबर 1 दिया होगा और उसके बाद इसने क्या किया होगा, सी को नंबर 2 दिया होगा। तो सी में हम एक वोट जोड़ देंगे यहां से, ठीक है, इनके वोट माइनस हो जाएंगे, वैसे करके हम सी को वोट जोड़ देंगे। फिर हम अगले राउंड का, ये राउंड 1 का हो गया रिजल्ट, राउंड 2 का रिजल्ट काउंट करेंगे। जब तक क्लियर माइनॉरिटी 50, इसमें जैसे जितने टोटल सीट्स हैं 100 यहाँ पे हैं वोटर्स, 100 का आप हाफ करेंगे 50+1 कर देंगे 51। जब तक 51 वोट किसी को नहीं मिल जाता है तब तक हम इस तरीके से वोट डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो इसको मैं आगे भी जब इलेक्शन वाला टॉपिक अगर डिस्कस करेंगे तो मैं इस चीज़ को वहाँ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट करेंगे, और हमारे उस समय जो लिटरेसी परसेंट था, जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तो क्या है कि किसी एक पे आपको टिक लगाना होता है, और इसमें क्या था कि अगर आपने गलत लगा दिया तो आपके जो वोट्स हैं वो इनवैलिड भी हो जाते हैं। इसलिए इस तरीका को हमने नहीं अपनाया, और हमने जो एडल्ट फ्रेंचाइजी से जो भी हम तरीका का यूज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक। अब पहली जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी, वो हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पहली मीटिंग, मीटिंग पे मैं फोकस दे रहा हूं, आगे बताऊंगा मीटिंग क्यों बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूं, मीटिंग 9 दिसंबर 1946। इस दिन के बारे में एक और विशेष है कि जो सबसे उम्र दराज सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें इंटरिम या टेम्पोरी समझिए, टेम्पोरी अध्यक्ष बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोरी या इंटरिम शब्द का यूज किया जाता है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर आता है 11 दिसंबर 1946, सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 वाली जो मीटिंग हुई थी उसको मुस्लिम लीग द्वारा बायकॉट कर दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, सेपरेट नेशन की मांग को लेकर उनके द्वारा इस मीटिंग में नहीं आया गया था, ठीक है। अब तीसरी मीटिंग जो है वो हमारा फर्स्ट सेशन बोला जाता है। फर्स्ट सेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी दिन कोई बिल पारित होना स्टार्ट हुआ था। टोटल हमारे कितने सेशन हुए थे, 12 सेशन हुए थे, इस चीज को याद रखिएगा, संविधान सभा के टोटल 12 सेशन हुए थे। ये मीटिंग थी, इसमें कोई भी आपको आर्टिकल को पारित नहीं किया गया था, डिसीजन नहीं लिया गया था, लोग मिले थे बस, लेकिन जो पहली बार पारित किया गया था वो आपको 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब 13 दिसंबर 1946 को क्या पारित किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं आपको उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि बाद में चल के हमारा प्रियम्बल का पार्ट बना, प्रियम्बल उसी से हमारा अडॉप्ट किया गया था। यह जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पुट किया गया था, लेकिन इस दिन ये अप्रूव नहीं हो पाया। ये अप्रूव हुआ आपको 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब संविधान बनाने के लिए कई तरह की कमेटी बनी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है वो है आपको ड्राफ्टिंग कमेटी। अब एक ऐसा नाम आने वाला है, उसके बिना संविधान अगर की बात अगर हम करें तो पूरा संविधान ही हमारा अधूरा माना जाएगा, वो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डिस्कशन के बिना संविधान हमारा अधूरा माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक और जननी दोनों कहा गया है हमारे संविधान का।
लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले बॉम्बे की सीट से संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए और वो हार गए। उसके बाद वो मुस्लिम लीग की मदद से बंगाल से खड़े हुए। बंगाल की सीट का नाम था, आपको इसको भी कई बार जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो पूछते हैं, जयसूर कुलना, इसको याद रखिएगा, जयसूर कुलना सीट से खड़े हुए और वो जीत गए। अब 1947 में जब विभाजन होता है तो जयसूर कुलना की सीट है वो पाकिस्तान के हिस्से चली जाती है और फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाते हैं। अब एक और नाम आने जा रहा है, सर बी एन राव। सर बी एन राव आईसीएस अधिकारी थे, जैसे अभी आईएएस अधिकारी होते हैं उस तरह वो आईसीएस अधिकारी थे। सर बी एन राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे, याद रखिएगा, सदस्य नहीं थे, एडवाइजर थे, क्योंकि ये आईसीएस अधिकारी, इस चीज को याद रखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि हमेशा इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बना के क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि गलत है। सर बी एन राव बाहर से सपोर्ट किया गया था इनके द्वारा, ये और जो पहला ड्राफ्ट है हमारे संविधान का सर बी एन राव द्वारा ही बनाया गया था और ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसी ड्राफ्ट पे जो खांचा तैयार किया गया था उस पर आगे काम किया। तो सर बी एन राव द्वारा बताया गया कि नहीं, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान सभा अधूरा है, इसीलिए इन्हें सदस्य बनाना पड़ेगा। तब के जो प्रधानमंत्री थे बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उन्हें पत्र लिख के बोला गया कि इन्हें सदस्य बनाना जरूरी है। बी जी खैर थे उनका नाम, प्रधानमंत्री का नाम, तब प्रधानमंत्री शब्द यूज किया जाता था, बी जी खैर। बीजी खैर द्वारा अपने एक बॉम्बे के एक सदस्य एम आर जैकर से सीट खाली करवाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस सीट से खड़े हुए और फिर वो बॉम्बे से ही जीत के गए। अब सवाल ये आता है कि पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य कहाँ से बने थे? तो पहली बार वो बॉम्बे से नहीं बने थे, बंगाल से बने थे। उसके बाद जो दूसरी बार बने थे वो बॉम्बे से बने थे, इसलिए कन्फ्यूज नहीं हो गए, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि वो पहली बार बंगाल के जयसूर कुलना से बने थे। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी टोटल आपको 12 सेशन करती है और हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। कुल 12 सेशन किया जाता है संविधान सभा द्वारा और टोटल जो समय लगता है वो आपको लगता है 2 ईयर्स 2 साल 11 महीना और 18 दिन। इस चीज को भी याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगता है हमारा संविधान बनके तैयार होने में। 12 सेशन होते हैं और वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। इस दिन हमारे टोटल 16 आर्टिकल्स 16 आर्टिकल्स यूज में आ जाते हैं, मतलब वो इनको हम लोग अपने संविधान द्वारा इनको हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं आप 26 जनवरी को। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है 1929 के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया था कि हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब ये बताया गया था और कुछ दिनों तक इसको मनाया भी गया। तो जब 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ तो लगा कि 2 महीने की बात है, हम लोग रुक जाते हैं, 26 जनवरी 1950 को ही हम अपना संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 16 आर्टिकल उस दिन इम्प्लीमेंट हुए, बाकी अन्य आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को शुरू में विधि दिवस की तरह मनाया जाता था, आजकल इसको संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। टोटल हमारे उस दिन 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 22 पार्ट में बांटे गए थे इनको, एक तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको उस तरह में रखा, वैसे 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है
कि जैसे कोई लिस्ट है जो कि हमेशा फ्रिक्वेंटली रिवाइज होती रहती है, तो उसको यहाँ मेंशन कर दिया कि शेड्यूल एक में लिस्ट है। जैसे भाषाओं की लिस्ट को शेड्यूल में रखा गया, उस वक्त ये 8 शेड्यूल था, आज के डेट में 12 शेड्यूल हो चुका है। और संविधान में और भी कितने आर्टिकल्स अभी जोड़े जा चुके हैं, तो वर्तमान में आप चेक कर लीजिएगा कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कितने आर्टिकल्स हैं। सवाल ये आता है उस वक्त कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी बार ये सवाल आ चुका है स्टेट पीसीएस में, तो ये फेवरेट सवाल है कि कितने आर्टिकल्स थे उस वक्त। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब जब 1950 में संविधान हमारा लागू हो गया और 1952 में चुनाव हुए, 1952 में संसद कार्यरत हुई, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएंगे आगे तो देखेंगे कि 1952 से पहले ही संविधान में पहला संशोधन कर दिया गया था। तो ये कैसे संभव है जब 1952 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो 1952 से पहले संविधान में पहला संशोधन 1951 में कैसे कर दिया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट सुधार संशोधन जो है 1951 में कैसे हो गया। इसके लिए समझ लीजिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सीए, उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो दो तरह से काम करती थी। एक तो वो संविधान बनाने का काम करती थी, जिसको कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, और दूसरा वो संसद की तरह काम करती थी। ठीक है, संसद की तरह जब काम करती थी तो इसके अध्यक्ष हो जाते थे जीवी मावलंकर, और जब संविधान सभा की तरह काम करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार कि जीवी मावलंकर कौन थे, क्या थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी संविधान सभा संसद की तरह काम करती थी, जैसे समझ लीजिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम हुआ, फिर लंच हुआ, उदाहरण बता रहा हूँ, और 12 बजे से 2 बजे तक संसद की तरह काम हुआ, तो उस वक्त जीवी मावलंकर बन जाते थे उसके अध्यक्ष। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ऑलमोस्ट मैंने सभी बातों को कवर किया है। और एक चीज़ आप लोग जब भी, जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं आज मेरे साथ, और या फिर पहले से जो तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी जरूर रखिएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि बीच में 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन डीमोटिवेट हो जाते हैं, या अन्य काम में, या फिर कुछ ऑफिस का काम, कोई भी काम अगर आ जाता है उसमें बिजी हो जाते हैं और वो पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। आप ब्रश करते हैं, टूथब्रश सभी लोग ब्रश करते हैं सुबह, आप कितनी देर ब्रश करते हैं मॉर्निंग में? आप मॉर्निंग में 5 मिनट करते हैं, ठीक है, 7 दिन करते हैं, कितना हुआ, 35 मिनट आपने ब्रश में लगाया। क्या आप सिर्फ संडे को 1 घंटा ब्रश करेंगे? तो ये तो ज्यादा है, डेली वाले से संडे वाला ज्यादा है, लेकिन क्या आपके दांत साफ रहेंगे? नहीं रहेगा, दांत आपके सड़ जाएंगे। तो वही पढ़ाई में भी होता है, पढ़ाई में भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है। बहुत सारी कहानियां हैं कि पत्थर पे आप कितना भी मुक्का मार ले नहीं टूटेगा, लेकिन अगर रोज एक बूंद पानी गिर रहा है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वहां पे गड्ढा बन जाए। इसलिए कंसिस्टेंसी की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो कंसिस्टेंसी आप लोग बना के रखेंगे, रोज पढ़े मेरे साथ। आप कोई, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, किताब मैं बता देता हूँ, 2 किताबें हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, बहुत बेसिक क्लियर होता है। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चैप्टर, उस देखिए, आप जहाँ हैं अगर आप सेटिस्फाइड हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप कुछ तैयारी नहीं कीजिए, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर दिल के अगर कहीं भी कोने में लगता है कि मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिसोर्स की कमी है आपके पास, गरीब हैं, या फिर आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं कोचिंग्स को। तो जो मेरा नॉलेज है, इसी नॉलेज से मैं सफल हुआ हूँ, अच्छे नंबर आए थे मेरे, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप इस नॉलेज को गेन करें। और आप, मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ थोड़ा सा समय दूँ, आधा घंटा 1 घंटा, रात को चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, या सुबह कभी कभी मैं रात में लेट लौटता हूँ तो हो सकता है सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग बनाऊँगा, लेकिन ज़रूर वीडियो बनाऊँगा मैं। आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर दीजिएगा रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा आगे। और एक लास्ट जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कदर निभाओ अपने किरदार को, इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो जब पर्दा गिरे, जब आप इस दुनिया से जाएं, तो लोग आपको याद करें, ऐसा नहीं कि एक आम आदमी की तरह आए थे, आम आदमी की तरह चले गए, पता भी नहीं चला। इतनी
8 बिलियन पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का हिस्सा बन के आए और चले गए। तो एक स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी कि आई वॉन्ट टू पुट डेंट इन द यूनिवर्स, मतलब मैं अपना एक निशान छोड़ना चाहता हूँ यूनिवर्स में। तो आप भी एक निशान छोड़िए यूनिवर्स में, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करना है। ठीक है, चलिए बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, आपके कमेंट्स को देख के ही मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।